Gamers, my name is Abhu and welcome back to another new episode of City Skylines. And as you can see guys, अभी game के graphics बहुत ज़्यादा upgrade हो चुके हैं क्योंकि मैंने इसमें जो mod packs होते हैं उनको install करा है और उसकी वजह से आप देख सकते हो मतलब हर एक detail, अभी ये कौन सा दुकान है पता नहीं लेकिन देखो भाई हर एक detail दिख रही है। यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई है तो road वगैरह भी गीला हुआ है, कितनी ज़्यादा detail दिख रही है भाई, ऐसा लग रहा है real life की building है। ये देखो ये road है, यहाँ पे cars वगैरह जा रहे हैं, मतलब सब कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है। last time जब हम खेल रहे थे तो ये game के default graphics थे लेकिन इस बार हमने इन ग्राफिक्स को अपग्रेड करा है। एंड जस्ट लुक एट दिस भाई, बहुत प्यारा लग रहा है। देखो अभी मैं आपको ना लास्ट टाइम जो हमने मेट्रो स्टेशन बनाया था, रेलवे स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, वो भी दिखा देता हूँ। देखो मतलब कितना ज़्यादा, कितना ही रियलिस्टिक लग रहा है। और ये हमारा मेट्रो स्टेशन देखो, मतलब हर एक चीज़ एकदम प्रॉपर तरीके से दिख रही है। एंड अगर हम इंडस्ट्रीज के अंदर देखेंगे तो आप देख सकते हो मतलब हर एक चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे इन लोगों ने कार्गो वगैरह रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट वगैरह, लकड़ी वगैरह पड़ी है, सब कुछ एकदम क्लियर, एकदम मतलब यू नो ऐसा लग रहा है मैं कोई HD कैमरा से देख रहा हूँ, इतना ज़्यादा क्लियर लग रहा है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये डेटा पैक या ये जो भी है इसके ग्राफिक्स कैसे लगे, और मैं इन्हीं ग्राफिक्स के साथ ये गेम को आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। एंड ऑफलाइन मैंने थोड़े से चेंजेस करे वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। तो लास्ट में यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, तो दैट्स मैंने यहाँ पे एक 6-lane highway, फोर लेन हाईवे फोर लेन हाईवे का एक ब्रिज बना दिया है और ये सीधा का सीधा जाता है इस तरफ। मतलब जो लोगों को फैक्ट्रीज के अंदर जाना है ना यहाँ से, मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है, ये लोग ना सीधा का सीधा यही से सिटी के अंदर घुस रहे थे, दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। बट अभी मैंने एक अल्टरनेट मतलब रोड बना दिया है जिसकी मदद से लोग सीधा इधर से ऐसे यहाँ से इधर फैक्ट्रीज के अंदर जा सकते हैं। मतलब जिन लोगों को फैक्ट्रीज के अंदर जाना है एंड जिन लोगों को सिटी के अंदर आना है उन लोगों के लिए भी मैंने यहाँ से ये रोड ऐसे बना दिया है और ये सीधा कनेक्ट होता है इस रोड से और सीधा लोग यहाँ पे आएंगे। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट या अगर लोगों को सिटी के अंदर आना है तो ये सारे के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो यही सारी चीज़ें मैंने ऑफलाइन करी है एंड आज मेरा पूरा का पूरा फोकस रहेगा इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो आइलैंड है यहाँ पे हम पूरी तरीके से एक इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे और यहाँ की जो सारी सारी इंडस्ट्री मतलब अभी नहीं हटाएंगे, धीरे धीरे इन लोगों में यहाँ से मतलब ये इंडस्ट्रीज को यहाँ पे मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। सो गाइज फाइनली गेम शुरू हो चुका है और आप देख सकते हो ये सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो इस मेन हाईवे से जाके सीधा हमारे सिटी के अंदर यहाँ पर एंटर होता है। बट फिर भी यहाँ पे ट्रैफिक का देखो इशू आ ही रहा है, मतलब भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। देखा यहाँ पे कितनी लंबी मतलब लाइन लगी है कार्स की एंड जो पुलिस की कार है वो आई थिंक ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं करती मेरे हिसाब से। देखा अबे ये रूल्स फॉलो नहीं करती ट्रैफिक, ये जो रोड है ना इसके साइड में मुझे भी पार्क्स वगैरह बनानी चाहिए क्योंकि सिटी में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मतलब यहाँ पे अगर मैं बहुत सारे मतलब यहाँ पे मैं इंडस्ट्रीज वगैरह भी बना सकता हूँ या मतलब और थोड़ी सी हम अगर बिल्डिंग्स वगैरह बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे ना पार्क्स बनाने चाहिए ताकि लोग मतलब ताकि हमारी सिटी ज़्यादा अच्छी लग सके। सो है ही गो, क्या यहाँ पे ट्रीज वगैरह है? या आई थिंक ये वाला फिट हो जाएगा, दे ही गो ये वाला फिट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लाइन से लगाने वाला हूँ सारे के सारे पार्क, पार्क वाले ट्रीज, ठीक है? और ये अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से दिखने में। और पैसे की तो हमारे पास अभी बिल्कुल भी कमी नहीं है, मतलब बहुत सारे पैसे, लगभग मेरे पास 5.5 lakh euros है। ये यहाँ से हट जाएगा यार, यहाँ से बीच में ये, बट एनीवेज हम पूरा का पूरा ये स्पेस नेचुरल बना देंगे, मतलब यू नो अच्छा लगेगा लोगों को और फैक्ट्रीज के वर्कर्स को भी अच्छा लगेगा कि यहाँ पे एक पार्क आ रहा है। अरे यार यहाँ पे जगह नहीं है छोटी सी, तो यहाँ पे नो एक बीच में दिन मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, देखिए और अभी देखते हैं भाई। अभी अच्छा लग रहा है देखो, मतलब सारे के सारे ट्रीज की लेन है, मतलब जैसे रोड जा रहा है स्ट्रेट लाइन में वैसे ही यहाँ पे ट्रीज भी है। एंड अभी ये जो छोटी सी जगह बची है ना यहाँ पे मैं थोड़े से पार्क्स वगैरह बना देता हूँ, जस्ट लाइक ये क्या है, गोल्डन नहीं यार ये बड़ा है, ट्रॉपिकल गार्डन, हाँ ये अच्छा लग रहा है। लेट्स सी, ओ भाई जस्ट लुक एट द डिटेल्स भाई, क्या प्यारा लग रहा है ये। बट अभी लोग आई थिंक खुश हो जाएंगे इससे। विंटर मार्केट, ओ भाई ये क्या है, विंटर मार्केट क्या होता है? ओके क्या मैं यहाँ पे बना सकता हूँ? एक काम करता हूँ देन, मैं सारे के सारे यहाँ से रोड हटा के यहीं पे मैं बीच में विंटर मार्केट बना देता हूँ और उसका एग्जैक्टली हमारे पास स्पेस भी है। बट ये रोड के किनारे बनता है यार, यहाँ पे बन जा भाई प्लीज़। नहीं ये नहीं बन रहा है यार, विंटर मार्केट ये बहुत बड़ा है बट यार मतलब $1,50,000 का है, देन अच्छा ही होगा ये यार। मैंने खामा के बीच वाले रोड्स हटा दिए। एक काम करता हूँ देन, मैं यहाँ पे ये ब्रिजेस बना सकता हूँ क्या ऐसे, पेज अप, ओके एंड ये सीधा इस तरफ आएगा, एक और नाइस, हाँ अभी अच्छा लग रहा है गाइस। तो अभी लोग बीच में से भी जा सकते हैं एंड इसको मैं इस तरफ से भी कनेक्ट कर दूंगा, हाँ ये बहुत सही रहेगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा परफेक्ट एंड ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, नाइस भाई। ये जब से मैंने मतलब जब से मुझे समझा ना ये ब्रिजेस को कैसे बनाते हैं तब से भाई लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। नहीं भाई ये कौन सी बिल्डिंग है भाई, कितनी ज़्यादा यू नो ये फ्यूचरिस्टिक लग रही है, ये क्या है,
ऑर्गेनिक फूड मार्केट है। हाँ, यहाँ पे बन सकता है जापानीज गार्डन। लेट्स गो, यहाँ पे एक जापानीज गार्डन बनाते हैं। इसमें क्या होता है जापानीज गार्डन में? बस गुलाब। ओ भाई, वो एकदम जैसा जापानीज कल्चर होता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही बना दिया यहाँ पे। दिस इज सो कूल। तो एक जापानीज गार्डन हमने वहाँ पे बना दिया है। और क्या क्या बन सकता है, लेट मी सी। ये क्या है? फिशिंग आइसलैंड। ओ भाई, फिशिंग आइलैंड। ओ भाई, ये भी मुझे बनाना है, ये हम बनाएंगे। वेट 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 भाई, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। ये डॉग पार्क यहाँ पे भी बना देता हूँ मैं। या एकदम सिटी के बीच में अच्छा लगेगा। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें बना देते हैं। ये 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 बड़ा है थोड़ा सा, ये हम बना नहीं सकते। यहाँ से कुछ बनेगा। ये क्या है? पैराडॉक्स प्लाजा। ओके, ये कितने का आ रहा है? $1,000 का। एक ठीक है, इसको बना देते हैं पैराडॉक्स। ये क्या होता है? बट ओ, यहाँ पे ग्लासेस है बहुत सारे। ओके, अजीब लग रहा है बट या सिटी के बीच में ये अच्छी लग रही है, मतलब उन्होंने थोड़ा सा लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाएगा। एंड और क्या, ये क्या है? प्लाजा विद ट्रीज। हाँ, प्लाजा विद ट्रीज यहाँ पे बनाते हैं। लेट्स गो। तो चारों तरफ हमने ये रोड के किनारे पे थोड़ा सा नेचुरल लुक देने की कोशिश करी है, एंड दिस इज लुकिंग क्वाइट गुड। ये ब्रिज में हटाने वाला हूँ, सॉरी, ये गाड़ी उसके ऊपर आई थी भाई, मैंने उसको हटा दिया बीच में से ही। बट ये ब्रिज को मैं हटा इसकी वजह से रहा हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे बाकी की चीज़ें बनानी है। ठीक है, ये रोड को मैंने हटा दिया है, और यहाँ पे भी मैंने जैसे एग्जैक्टली पार्क यहाँ पे बनाया ना, वैसे मैं इस तरह भी बनाना चाहता हूँ, एकदम नेचुरल लगेगा ये। और हमारे पास पैसे की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। एक सेकेंड, ये छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, यहाँ ये वाला, यहाँ से शुरू होगा सीधा। परफेक्ट, ये वाला यहाँ पे एक और फिट हो जाएगा। फाइनली गाइज, एज यू कैन सी, सारे के सारे पार्क्स। ओ वाओ, अभी देखो, अभी अच्छा लग रहा है। अभी पूरा का पूरा बीच वाला स्ट्रीट है वो पार्क से घिरा पड़ा है, एंड यहाँ तक मैं बनाना चाहता हूँ, बट ये बीच में बिल्डिंग्स आ रही है। कोई नहीं, मैंने उनको ना मैं हटा दूंगा, मतलब एकदम परफेक्ट सिमेट्रिकल तो एटलीस्ट दिखेगा ये। ठीक है, ये हट जाएगा। सॉरी गाइज, मुझे बहुत बुरा लग रहा है आप लोगों के लिए, बट तुमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये क्यों नहीं फिट हो रहा है यहाँ पे? ओ, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन आई थिंक। या मेट्रो स्टेशन की वजह से फिट नहीं होगा। एनीवेज, अभी आप देख सकते हो एक पूरी की पूरी हम लोगों ने यहाँ पे लेन बना दी है पार्क्स की, तो ये लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से जी सकते हैं। भाई, इसको पानी की क्यों ज़रूरत है? नॉट इनफ वाटर। डोंट वरी सर, आपको मैं जल्दी से पानी का कनेक्शन देता हूँ। मे बी यहाँ पे ना कोई सिस्टम है। क्राइम रेट इज़ हाई। ओ, मेट्रो स्टेशन पे गाइस क्राइम हो रहा है। आर यू सीरियस मैन, हमारी सिटी में क्राइम कैसे हो सकता है मेरे होते हुए? तो हमको यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन बनाना पड़ेगा $12,000 कॉस्ट इसकी। भाई, यहाँ पे तो क्राइम रेट लो दिखा रहा है। एनीवेज, मेट्रो स्टेशन के लिए मैं बना देता हूँ एक। ठीक है, मेट्रो स्टेशन के लिए हमने एक पुलिस स्टेशन बना दिया है, एंड यहाँ से भी कार्स आना शुरू हो जाएंगी। एंड मेट्रो स्टेशन के पास भी एक छोटा सा पार्क होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस, ताकि लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। या मेट्रो स्टेशन के पास भी एक पार्क बना दिया है, और यहाँ के भी लोग खुश हो गए। ओह फाइनली भाई, बहुत सारे पार्क्स वगैरह बना दिए, और अभी हमारा फोकस है इंडस्ट्रियल आइलैंड बनाने का। तो अभी सबसे पहले ना मुझे ये आइलैंड के ऊपर एक छोटा सा मतलब लेआउट बनाना पड़ेगा, हम इंडस्ट्रीज को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा सोचता हूँ। लेट मी सी, क्या मैं यहाँ पे वॉल्स वगैरह बना सकता हूँ ऐसे, मतलब बड़ी वाली वॉल्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनलॉक हुई है, मैंने अभी तक देखा नहीं है। ये जो हमने 6-lane हाईवे बनाए ना, वो सीधा मैं इस वाले आइलैंड पे भी मतलब लेके आने वाला हूँ, एंड देन उसके ऊपर हम टोल बूथ लगाएंगे। तो अभी सबसे पहले मुझे यहाँ पे रोड्स बनाने पड़ेंगे। मेन हाईवे काम करता हूँ मैं, बीच में से बना देता हूँ। या 6-lane रोड हमारा बीच में से बनेगा ये आइलैंड के, ताकि इसके दोनों तरफ फैक्ट्रीज रह सकें। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन में। लेट्स गो। ये हमने गाइस यहाँ पे एक 6-lane रोड बना दिया है, एंड एकदम स्ट्रेट बना दिया। तो अभी बस मुझे यहाँ पे फैक्ट्रीज को सेटअप करना है। मतलब अभी तो ज़्यादा फैक्ट्रीज यहाँ पे नहीं आएंगी, मतलब एकदम से। फैक्ट्रीज को कनेक्ट करने के लिए मैं 4-lane रोड का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि वही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 4-lane रोड यहाँ तक आएगा। ठीक है, एंड बीच बीच में मुझे बिल्डिंग्स भी बनानी है। तो 4-lane रोड ऐसे, 4-lane रोड कुछ ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है यार। मतलब अगर मैंने यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बना दिया ना, देखो जस्ट लाइक दिस, तो ये बन तो रहा है, या बन तो रहा है इंडस्ट्रियल जोन, बट ये 4-lane रोड कुछ ज़्यादा ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन यू नो, मतलब फैक्ट्रीज के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो मैं भी मेरे हिसाब से 4-lane रोड ही बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे लेन्स बना देता हूँ, एंड बहुत ज़्यादा भाई इसमें पैसे खर्च होने वाले हैं। ओके, एंड ये यहाँ से यहाँ पे परफेक्ट। ओके गाइस, एकदम परफेक्ट, हमने इस तरफ फैक्ट्रीज की लेन बना दी है। एंड देखो भाई, लोगों ने फैक्ट्रीज बनाना शुरू भी कर दिए। लेट्स गो, फैक्ट्रीज बन गई। अभी यहाँ पर भाई हमको पूरा का पूरा सिस्टम एक सबसे पहले काम करूँगा गाइस, बस हम सबसे पहले इस तरफ ही फैक्ट्रीज बनाएंगे। जब ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी ना, तो मैं इस तरफ भी कनेक्शन इनके करा दूंगा। ठीक है, और अभी इस तरफ अभी हमको बस बाकी के जोन्स को डिक्लेयर करना है। सो लेट मी डिक्लेयर ऑल द जोन्स। ये फैक्ट्री, फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज, सारी की सारी फैक्ट्रीज बनेगी यहाँ पे। ऑयल पावर प्लांट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो कहाँ पे बनाओ? यहाँ पे, या फैक्ट्रीज के इस तरफ ऑयल पावर प्लांट नहीं यार, बीच में बनाता हूँ, ताकि मैं हर जगह पे उसको हम कनेक्शन दे पाए इसको। ओके, हमने हाइड्रो पावर प्लांट लगा दिया। अभी पानी का सिस्टम बनाना पड़ेगा, पानी का पंपिंग स्टेशन। या यहाँ पे बन सकता है,
थोड़ा सा अंदर, या देखिए गो, एक यहाँ पे बनाते हैं, एक यहाँ पे बनाते हैं, दो तीन तो बनानी ही पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी फैक्ट्रीज होने वाली है। एक यहाँ पे बनेगा एंड एक यहाँ पे, लेट्स गो। पंपिंग स्टेशन बना दिए, अभी बस इन लोगों को हमको पावर का कनेक्शन देना है, आई मीन पानी का कनेक्शन देना है, जो कि मैं सीधा ऐसे देने वाला हूँ। यहाँ तक ऐसे आएगा, देन ऐसे यहाँ पे ऐसे आएगा, लेट्स गो, देन ऐसे यहाँ पे। ओके, पानी का इशू सॉल्व हो चुका आई थिंक। अभी इलेक्ट्रिसिटी का इशू, बस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना है इन लोगों को, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वेट, अबे ये पावर प्लांट को तो कनेक्शन देना बाकी रह गया। या ये इलेक्ट्रिसिटी सीधा यहाँ पे आएगी, देन यहाँ से लेट्स गो। ये कोल प्लांट्स लगा दिए, इनको भी आई थिंक पावर कनेक्शन चाहिए होता है, पानी का वगैरह मुझे लगता है ऐसा, बट नहीं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी पानी का कनेक्शन तो दे दिया है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। और एक सेकेंड, यहाँ पे किसी ने अभी भी फैक्ट्री बनाई है, तो इसको भी कनेक्शन देना पड़ेगा। फाइनली गाइज, हमारा जो फैक्ट्री आइलैंड है वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। अभी बस यहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत है, या नॉट इन अ फोकस मुझे लगा ही था। तो अभी यहाँ पे हमको बस ये मेट्रो स्टेशन यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा ताकि लोग यहाँ पे आ सके। तो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए मुझे सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोग सीधा यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो एक मेट्रो स्टेशन, हाउ डू आई मेक द स्टेशन, सबसे पहले काम करता हूँ, ये जो 6-lane रोड है ये यहाँ तक ऐसे कनेक्ट कर दूंगा मैं, यहाँ तक ऐसे, ठीक है। या 6-lane रोड यहाँ तक आ गया, देन यहाँ पे हमारा मेट्रो स्टेशन बनेगा, मेट्रो स्टेशन या एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन, बड़ा वाला, ठीक है। परफेक्ट, हमने बना दिया एक एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन। तो अब यहाँ पे ज़्यादा लोग आई थिंक आ पाएंगे, बट ये बहुत अजीब लग रहा है यार। एक सेकेंड, क्या मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ थोड़ा सा मूव? हाँ, वेट वेट वेट, एक सेकेंड यार, ये इतना पंचायत करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक काम करता हूँ, मेट्रो स्टेशन को मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ, एंड अभी हम वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको ईजिली इस तरफ लेके आ सकता हूँ, ठीक है, लेट्स गो। अभी मुझे बस क्या करना है, मेट्रो स्टेशन की जो लाइन है उसको एक्सटेंड करना है। ओके ओके, ये यहाँ पे आ गया, एंड देन ओके, एंड देन ये यहाँ से यहाँ पे आएगा। परफेक्ट, फाइनली गाइज, मेट्रो कनेक्शन हमारा एकदम परफेक्टली यहाँ पे बन चुका है, और बस अभी यहाँ पे मेट्रो आनी चाहिए। तो सबसे पहले जो 6-lane रोड है मुझे इसको अभी एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसको मैं सीधा उस तरफ लेके आऊँगा, ठीक है। ये 6-lane रोड कहाँ पे गया? ये वाला रोड ना, या 6-lane रोड, इसको इससे ऊपर, इसको अगर मैंने यहाँ से हटा दिया तो क्या मैं उसको सीधा लेके आ सकता हूँ? सीधा रोड आएगा ऐसे। ओ वेट, आ रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है रोड, प्लीज प्लीज। ओके, एक्सटेंड हो रहा है, यस। अब ये सीधा यहाँ पे आएगा, भाई क्या ब्रिज बना दिया हमने बहुत बड़ा। ये एग्जैक्टली मेट्रो स्टेशन के साथ ही आएगा इसे यहाँ पे। देयर यू गो गाइस, फाइनली एक बहुत बड़ा ब्रिज बना दिया हमने, जैसे मुंबई में सीलिंग के ना एग्जैक्टली वैसा ही है। और अभी बस इसको इस मेन हाईवे से कनेक्ट करना है ऐसे। Yes, finally guys, we connect the road, and एक सेकेंड, बीच वाले जो लोगों को इस तरफ उधर जाना, इधर उधर जाना है उनका, या जिन लोगों को इधर जाना है वो लोग यहाँ से जा सकते हैं, और जिन लोगों को अभी सीधा आना है वो लोग सीधा आ सकते हैं, ठीक है। या ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा, परफेक्ट, और ये सीधा इस तरफ आएगा, ये आइलैंड पे मेट्रो स्टेशन के दूसरी तरफ। या लेट्स गो, ओके, कनेक्शन तैयार हो चुका है, अभी बस लोगों के यहाँ पे आना चाहिए, प्लीज भाई यहाँ पे आना शुरू कर दो। या कनेक्शन तो हमने बना दिया है, अभी सीधा भाई यहाँ पे, मतलब मैंने तीन तीन ट्रांसपोर्ट के सिस्टम बना दिए, एक तो मेट्रो है, एक बड़ा सा 6-lane हाईवे है, एंड ये भी छोटा सा हाईवे भी हमने यहाँ पे बना दिया है। अभी बस इसको कनेक्ट करना है हम लोगों को जमीन से, मतलब मेन रोड से, जस्ट लाइक दिस, सीधा, परफेक्ट। ओ भाई लेट्स गो, अभी बस यहाँ पे लोगों को आना चाहिए। लोग इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, मे भी लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है यहाँ पे फैक्ट्रीज में काम। भाई ये लोग तो मेरे ऊपर गुस्सा हो गए। क्या मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रेजिडेंशियल जोन बनाना चाहिए फिर, क्योंकि यार लोगों को इशू आ रहा है। या यहाँ पे छोटा सा रेजिडेंशियल जोन में बना ही देता हूँ, मतलब एक छोटा सा रहेगा, थोड़े से ही लोग रहेंगे यहाँ पे जो लोग फैक्ट्रीज में काम करेंगे यहाँ पे, परफेक्ट। और यहाँ से यहाँ पे, नाइस। और अभी मुझे नॉर्मल रोड्स को बीच में से कनेक्ट करना है, जस्ट लाइक दिस, ओके। एंड अभी ये बीच वाला, ये तो ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो जाएगा, लेट्स गो। अभी बस मुझे इसको रेसिडेंशियल मार्क करना है। आ जाओ भाई लोग, आ जाओ, मैं तो चाहता नहीं था यहाँ पे लोग आके रहे। वेट वेट वेट, नॉर्मल रेसिडेंशियल जोन बनाना है मुझे, नाइस। एंड जो साइड है वहाँ पे मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनेगी, मतलब पूरा का पूरा सी व्यू है, तो लोगों को यहाँ पे अच्छा लगेगा, बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये हमने बड़ी बिल्डिंग्स के लिए बना दिया जोन, एंड ये और थोड़ा सा रेसिडेंशियल जोन। ओके, फाइनली गाइज, लोगों ने यहाँ पे घर बनाना शुरू कर दिया, जो कि हमने रेसिडेंशियल जोन यहाँ पे बनाया था। एंड देन भाई रुको, थोड़ी देर के लिए रुको, तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पे भी मुझे थोड़े से फायर स्टेशन वगैरह लगाने पड़ेंगे, क्योंकि
यहाँ पे इशू होता है ना, या हेल्थ केयर भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. हेल्थ केयर फैक्ट्रीज में नहीं चाहिए होता है, हेल्थ केयर यहाँ पे लगेगा हमको. तो यहाँ पे एक हेल्थ केयर बना देते, एक सिमेट्री भी तो चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे अगर लोग मरेंगे तो उनके लिए यहाँ पे होना चाहिए वो. ठीक है, सिमेट्री यहाँ पे बनेगी, या यहाँ पे एक बना देता हूँ मैं, एक हॉस्पिटल मेडिक्लिनिक, या मेडिक्लिनिक, अरे अभी अभी तो बनाया मेडिक्लिनिक तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. या फैक्ट्रीज में भी मेडिक्लिनिक चाहिए होता है क्या? या यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी तो एक मेडिक्लिनिक यहाँ पे बना देते हैं. भाई पूरा का पूरा आइलैंड नया बनाने में ना बहुत खर्चा होता है. फायर हाउस, या फायर हाउस की भी ज़रूरत है हमको, अगर आग वगैरह लगी तो इशू हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं 2-3 फायर हाउसेस बना देता हूँ. लेट्स गो. पानी का इशू तो सॉल्व हो गया, अभी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी भी तो चाहिए इन लोगों को. इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डू वी मेक इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास एक सोलर पावर प्लांट भी है. ओह, ये मैं बना सकता हूँ यहाँ पे सोलर पावर प्लांट. ये नई सिटी के लिए हम सोलर पावर प्लांट बना सकते हैं गाइज. तो शुड आई मेक सोलर पावर प्लांट ओवर हियर? या यहाँ पे हम बना सकते हैं इजीली. जिससे बट कितनी इलेक्ट्रिसिटी, 160 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है गाइज, बहुत सारी हो रही है. तो आई थिंक वी शुड मेक दिस हियर. या एक सोलर पावर प्लांट बनाई देते, या लेट्स गो. भाई क्या लग रहा है ये, मतलब सारे के सारे सोलर सिस्टम्स आ गए यहाँ पे. लेट्स गो. इससे भी काफ़ी सारी 190 मेगा वैट आउटपुट है इसका, बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है. और मुझे गाइज अपनी दूसरी सिटी के ऊपर भी तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है. और या अभी इन लोगों का कनेक्शन, या सारा का सारा कनेक्शन आ गया. और भी बस इन लोगों को फैक्ट्रीज के, भाई लोग बहुत गुस्सा है मेरे ऊपर. देखा यहाँ पे फैक्ट्रीज में इनफ वर्कर्स ही नहीं है. भाई रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, अभी लोग आना शुरू हो जाएंगे. या हाई स्कूल बना देते, एक हाई स्कूल कितना, $24,000 में बन रहा है. ज़रूरत है यहाँ पे, एक हाई स्कूल बना दिया तो अभी यहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहेंगे. एक सेकेंड, इस सोलर पावर प्लांट को थोड़ा सा वाटर चाहिए. वाटर कनेक्शन दे दो भाई. आ गया इसको वाटर कनेक्शन आ गया. वेट, यहाँ पे हमको थोड़े से कमर्शियल जोन्स भी बनाने पड़ेंगे गाइस, क्योंकि कमर्शियल जोन्स की डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है. तो कमर्शियल जोन्स हम या इधर बना सकते हैं, ये लिनपुरी कमर्शियल जोन्स की रहेगी. लेट्स गो. कमर्शियल जोन्स का हमने एरिया बना दिया है. और अभी इन लोगों को भी हमको थोड़ा सा पानी देना पड़ेगा कमर्शियल जोन्स को. तो पानी का कनेक्शन सीधा यहाँ पे आएगा इसे, परफेक्ट. और इलेक्ट्रिसिटी तो इनको ईजिली यहाँ पे मिल जाएगी. तो यहाँ कमर्शियल जोन्स भी हमने बना दिए. तो ये नई सिटी का प्लान हो चुका है भाई. और इस आइलैंड को हमको मार्क भी करना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, ये पूरा का पूरा जो आइलैंड होगा उसको मुझे कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा. मैं जल्दी से इसको, मतलब डिस्ट्रिक्ट होगा ये हमारा, ठीक है. इंडस्ट्रियल हब, लेट्स गो. इसको हम बुलाएंगे गाइज इंडस्ट्रियल हब, ठीक है. ये पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल हब है इसको हम इंडस्ट्रियल हब बुलाएंगे. एंड ये जो छोटी सी सिटी है इसको भी तो हमको नाम देना पड़ेगा, पब टाउन. लेट्स गो. इसको हमने नाम दिया है पब टाउन. आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे अच्छा लग रहा है ये. मतलब रैंडमली नाम मेरे दिमाग में आया तो इसको हमने पब टाउन नाम दे दिया है. एंड क्या मैं यहाँ पे सीधा ये मेन हाईवे कनेक्ट कर सकता हूँ, 6 लेन रोड वाला? वो क्या, तो और भी ज़्यादा मतलब एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी ना. यस भाई, अभी लोग सीधा इस सिटी में भी. अब भाई मैंने क्या सिस्टम बनाया है. अभी देखो, मतलब जो अपना मेन हाईवे है वो सीधा यहाँ से आता है और ये यहाँ पे भी जाता है और सीधा इधर भी जाता है. तो अभी लोग दोनों तीनों चारों तरफ आ जा पाएंगे. एक मेट्रो स्टेशन नॉर्मल वाला ही चाहिए यहाँ पे. बट इसका हम कनेक्शन कहाँ से करेंगे? या वहाँ पे कनेक्शन हो सकता है, लेट्स सी. ओके, एक मेट्रो स्टेशन यहाँ पे लगा दिया है. और यहाँ पे देखो गाइस, गाड़ियों ने इधर उधर जाना शुरू भी कर दिया है. तो मेट्रो स्टेशन तो हमने लगा दिया, अभी बस मुझे मेट्रो स्टेशन का कनेक्शन लेके आना पड़ेगा. या ये से जाएगा पेज अप ऐसे पुल बना के, ठीक है. ऐसे पुल जब बनता है ना तो भाई, मतलब मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है ये मेट्रो का पुल वगैरह. ओके, मेट्रो पुल. अब ये सीधा नहीं बन सकता क्या, ऐसे आड़ा टेढ़ा बन रहा है. एनीवेज, ये यहाँ तक आएगा, परफेक्ट. लेट्स गो. मेट्रो स्टेशन का पुल यहाँ तक आ चुका है. आर यू सीरियस भाई, ये ट्रेन का. तो भी मैं सोचूं भाई क्या इशू हो रहा है भाई, ये ट्रेन स्टेशन है यार, मैं इसको मेट्रो से कनेक्ट करने की कोशिश. भाई मैं पागल हूँ यार, सीरियसली व्हाट द हैक. तो भी मैं सोचूं भाई ये चीज़ काम क्यों नहीं कर रही है. ओ भाई, तो ये रहा, ये यहाँ पे था एंड ये अभी इससे कनेक्ट हो जाना चाहिए सीधा. भाई सीधा कनेक्ट हो जा भाई, पागल कहीं के भाई. तभी मैं सोचूं, मतलब इशू क्या आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा था मेरे. ओके, ये सीधा अभी इससे कनेक्ट हो जाना चाहिए प्लीज़. यस, फाइनली वी कनेक्ट द रूट. और अभी आई थिंक यहाँ से मेट्रो आना शुरू हो जाएगी. प्लीज़ भाई मेट्रो स्टेशन, मेट्रो यहाँ पे जल्दी से भेज दो. मतलब भाई लोग तो काफ़ी सारे आ रहे हैं यहाँ पे, मेट्रो नहीं आ रही अब तक. भाई मेट्रो चलाने, आर यू सीरियस भाई, भाई मेट्रो चलाने के लिए हमको मेट्रो का रूट बनाना पड़ता है. भाई यार मैं गधा हूँ सीरियसली. आई मीन ये मैंने भाई देखा ही नहीं कि यहाँ पे मैंने रूट बनाया नहीं, तो भाई यहाँ पे मेट्रो कैसे आएगी यार. तभी मैं सोचूँ, मतलब इशू क्या हो रहा है. लेट्स गो. अभी ये यहाँ पे आएगा स्टॉप, और एक स्टॉप यहाँ पे कंप्लीट द लाइन. ओके, एंड एक लाइन मैं यहाँ से सीधा इस सिटी में भी कंप्लीट करूँगा एड स्टॉप. और यहाँ से
यहाँ पे, परफेक्ट, ओके। अभी कोई इशू नहीं होगा, तभी मैं सोचूं भाई इशू क्या आ रहा है। फाइनली भाई मेट्रो आना शुरू हो गई भाई यार, मतलब मैंने मेट्रो का रूट बनाया नहीं था, दैट्स वाई सारा का सारा इशू हो रहा था, परफेक्टली। और अभी इधर उधर लोग आ जा पाएंगे, नाइस भाई। मतलब यू नो छोटी छोटी चीज़ें होती है, मैं भूल जाता हूँ मतलब बीच बीच में। और अभी इसको पावर कनेक्शन चाहिए, या इसको पावर कनेक्शन दे दिया। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लोग बीमार हो रहे हैं, तो हमको यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा क्या भाई? ये बहुत यार महंगा होता है हॉस्पिटल, $65,000 का है। अभी हेल्थ केयर की कैपेसिटी भाई बहुत सारी है, और 6 सिटीजन पर बस 487 है भाई। नहीं हॉस्पिटल नहीं बनाते यहाँ पे। वाटर प्यूरीफायर तो हमने लगा दिया ना, मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये सारा का सारा क्लीन करता है। तो यहाँ पे एक पानी की टंकी भी मैं लगा देता हूँ लोगों को पीने के लिए, आई मीन इससे भी लोग बीमार नहीं होते आई थिंक, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से ऐसे, लेट्स गो। ओके फाइनली इट्स वर्किंग। यहाँ पे मेट्रो आ रही है क्या? यस गाइस देखो यहाँ पे मेट्रो आ रही है, मुझे ये देखना था। फाइनली इट्स वर्किंग मेट्रो। अभी चारों तो भाई यहाँ पे देखो, मतलब दो दो मेट्रोज आ रही है, और ये बंदा कुत्ते के साथ जा रहा है। एक सेकंड, ये कौन है, इसका नाम क्या है? अभी इसका, अबे रुक जा भाई, या इसका नाम कैड्रिक रीड है। ये हैमिल्टन रेसिडेंस में रहता है, यहाँ पे रहता है वो भाई। सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, और काम कहाँ कर जा कर रहा है, मेगा शॉपिंग सेंटर, और यहाँ पे जा रहा है। मतलब देखा कौन सी सिटी में कहाँ पे जा रहा है, और एलिमेंट्री स्कूल, ये एलिमेंट्री स्कूल ये में पढ़ता है, कहाँ पे मिले, एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता है ये, यहीं पे कहीं पे स्कूल है। मतलब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आती है, कौन बंदा कहाँ पे क्या काम करता है। फाइनली हमारी सिटी बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से एक्सपांड हो रही है, एंड मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली जो लैंड है ना, मैं उसको भी परचेस कर लेता हूँ, या ये वाला, इसको मैं परचेस कर लेता हूँ, ठीक है। एंड बट यार यहाँ पे ज़्यादा ज़मीन ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? जो हमने अभी नई लैंड परचेस करी थी ना, इसकी वजह से मैं यहाँ पे थोड़े से रोड्स को एक्सटेंड करने की सोच रहा हूँ। हमारा मेन हाईवे जो ना होगा ना, 6 लेन हाईवे, वो चारों तरफ घूमेगा। अभी ये बीच वाला रोड जा रहा है, तो उसको जाने देते हैं, या ये यहाँ तक आएगा। वैसे हमारी ज़मीन कहाँ तक है? ओ यहाँ तक है, ओ सीधा ये इस रोड से भी कनेक्ट हो सकता है आई थिंक। ओ भाई एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर देता हूँ भाई, बहुत सारे पैसे चाहिए। एनीवेज मैं सिटी के चारों तरफ इस हाईवे को कनेक्ट करना चाहता हूँ, एंड देयर यू गो। अभी लोग इधर से भी हमारी सिटी में, मतलब अभी चारों तरफ लोग आ पाएंगे। एंड एक सेकेंड भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गया, लोगों से टैक्स भी तो कलेक्ट करना है हमको। हमको ये लगाने, क्या बोलते हैं उसको, टोल बूथ्स लगाने बहुत सारे। तो ये हाईवे को मैं बीच में से तोड़ देता हूँ। एक गाड़ी तो जा रहा है, देखा गाड़ियों ने जाना शुरू भी कर दिया। तो ये हाईवे हटा के यहाँ पे हम टोल बूथ लगाएंगे सीधा, परफेक्ट। एंड अभी बस मुझे इसको कनेक्ट कर देना है मेन रोड से, जस्ट लाइक दिस। फाइनली वी हैव अ टोल बूथ ओवर हेयर। और अभी इसको भी आई थिंक पानी की, या इसको पानी की जरूरत भैया यार, अभी इसको कनेक्शन देना पड़ेगा, बिजली का भी देना पड़ेगा। कोई नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाइड्रो पावर लगा देता हूँ ये, ताकि इसको थोड़ा सा पानी का कनेक्शन मिल सके, एंड थोड़ी सी बिजली भी मिल सके। ले ले भाई तेरे लिए यहाँ पे बब बनाना तो पड़ेगा, एंड थोड़ा सा वाटर पंपिंग स्टेशन भी चाहिए। दे यू गो, यहाँ पे बनेगा छोटा सा, एंड ले कनेक्शन भाई। ओके तो यहाँ पे अभी हम यहाँ से टोल कनेक्ट करेंगे, या रेसिडेंशियल जोन गाइस थोड़े से मैं और बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। और ये थोड़े से पानी, यार ये पानी में बहुत ज़्यादा ज़मीन जा रही है, तो मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर ले आना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा इस ज़मीन को। लेट्स गो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। बड़ी बिल्डिंग्स बनेगी यहाँ पे, ठीक है, हाईली रेसिडेंशियल जोन्स बनेंगे ये, और एकदम नदी के किनारे है, तो इनसे हम ज़्यादा पैसे लेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी थोड़े से रेसिडेंशियल जोन्स हम ज़्यादा बनेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे गाइस घर बनना शुरू हो गए, एंड ये जब से मैंने मतलब ग्राफिक्स को एक्सटेंड करा ना, आप एनिमेशन भी देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब एडवांस्ड हो गया है, और बहुत सही लग रहा है। तो वर्कर्स की अभी भी कमी पड़ रही है, आई डोंट नो व्हाई। पॉपुलेशन कितनी हो गई यहाँ पे, लगभग 1400 पीपल्स की पॉपुलेशन हो चुकी है। तो धीरे धीरे यहाँ पे पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन वर्कर्स नहीं आ रहे हैं, और इसका रीज़न सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा है। वर्कर्स चाहिए तो भाई, मतलब नॉर्मली तो ऐसे होता है ना, वर्कर्स इजीली आ जाते हैं, मतलब एजुकेशन सिस्टम वगैरह बनाने के बाद। तो मैंने हाई स्कूल भी भाई बड़ा सा बना दिया यहाँ पे, बट स्टिल वर्कर्स आर नॉट कमिंग ओवर हियर, आई डोंट नो व्हाई। तो क्या मुझे यहाँ पे भी एक और हाई स्कूल बनाना पड़ेगा? एलिमेंट्री स्कूल बना दिया है फैक्ट्रीज के भाई जस्ट साइड में ही है। वर्कर्स का इशू सॉल्व नहीं हो रहा, मुझे उसका ना कुछ करना पड़ेगा। बट गाइज आज के लिए आई थिंक बस इतना ही इनफ है। आज हमने बहुत सारे मतलब प्रोग्रेस करी है, हमने एक इंडस्ट्रियल हब बना दिया है, दूसरे तरफ हमने एक पब टाउन बना दिया है छोटा सा, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। एंड नेक्स्ट एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ कि ना हमको ये बड़ा सा डैम बनाना चाहिए, मतलब यहाँ पे पता नहीं डैम लोग कैसे बनाते हैं, मुझे देखना पड़ेगा। बट डैम बना के में भी हम मतलब पानी रोक के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और आई थिंक ये जगह काफ़ी सही है डैम बनाने के लिए, यहाँ पे आई थिंक हम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम डैम बनाएंगे। एंड आज के लिए बस इतना ही था, आपको कुछ पसंद होगा, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको सिटी में कौन से चेंजेस आए, या आप लोग और क्या क्या करना चाहते हो। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइज़।